और यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक फिश पॉइंट आएगा, यहाँ पर टर्टल पॉइंट आएगा। टर्टल पॉइंट देखिए वहाँ से लेकर स्टार्ट होकर यहाँ तक, मतलब पूरा 17 फीट और 5 फीट का बड़ा पॉइंट आएगा। यहाँ पर आएगा एक बर्ड सवेरी जो 15x5 फीट का होगा। अभी रूम पूरा रूफिंग हो चुका है और रूफिंग का पूरा जो सेंटरिंग वगैरह सब निकाल दिया। लास्ट टाइम आपने देखा था वीडियो में, तो उस टाइम पे सिर्फ 7 यहाँ की जो लकड़ी की डहलीज है, पहले छोटा लग रहा था। जब मैं ये सोच रहा था कि रूम कितना बड़ा होने वाला है, उस टाइम बहुत काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन बनने के बाद काफ़ी बड़ा लग रहा है। देखिए पूरा रूफिंग वाला है, पर 8 फीट आएगी, 8 फीट बाई 3 फीट आएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं अपडेट देने वाला हूं मेरे फिश रूम का। यहां पर जितने भी मेरे पास अभी फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, और साथ में जो ऊपर का रूम बनने वाला था जो लास्ट टाइम आपको अपडेट दिया था, उसका काम कितना हुआ है, कितना बाकी है, और क्या क्या प्लानिंग है हमारे वो जो आने वाले रूम के बारे में, उसमें क्या क्या रखेंगे। हालांकि लास्ट टाइम मैंने आपको हिंट दे दिया था, लेकिन अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपके फिश रूम का टूर, जो नया रूम बन रहा है उसका अपडेट दो, कहां तक काम हुआ है, क्या बाकी है, और साथ में जो आपके फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, उसका अपडेट दो। काफ़ी नया कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा और समझ में आएगा कि आगे क्या क्या हमारे फिश रूम में नए पेट्स ऐड होने वाले हैं, कौन कौन से टैंक आने हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ आ रही है। ये ऐसा है कि जैसा आप अपने घर में एक रूम बना रहे हो और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है, तो इस तरह का एक मज़ा मिलेगा देखने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर पूरा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये सीमेंट वगैरह है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे अभी भी ऐसे ही पेंडिंग है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखिए टैंक है जो ऊपर हमारे टैंक थी, और यहाँ पर थोड़े मटेरियल पड़े हैं जो आने वाले काम। देखिए यहाँ पर अभी रूम पूरा रूफिंग हो चुका है और रूफिंग का पूरा जो सेंटरिंग वगैरह सब निकाल दिया। लास्ट टाइम आपने देखा था वीडियो में, तो उस टाइम पे सिर्फ 7 यहाँ की जो लकड़ी की डहलीज है, जो डोर्स की लकड़ी की डहलीज, वहाँ तक ही हुए थे, ऊपर का नहीं हुआ था काम। ऊपर का भी हो चुका है, अभी सेंटरिंग भी हो चुकी है, रूफिंग भी हो चुकी है, ये सब काम हो चुका है। देखिए यहाँ पर पहले छोटा लग रहा था, जब मैं ये सोच रहा था कि रूम कितना बड़ा होने वाला है, उस टाइम बहुत काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन बनने के बाद काफ़ी बड़ा लग रहा है। देखिए पूरा रूफिंग वाला है और काफ़ी तगड़ा काम हो रहा है, पिलर्स वगैरह सब डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक मॉन्स्टर टैंक आएगा, मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर एक सिंपल मॉन्स्टर टैंक आएगा जिसमें हम जियोफोकस हो, बड़े बड़े जो रेड टेल कैटफिश जैसे हैं, ये बड़े अर बनाए वो आएंगे। यहाँ पर 8 फीट की टैंक आएगी, 8 फीट बाई 3 फीट आएगी चौड़ाई जो है उसकी, देख रहा हूँ मैं अभी, जितनी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, 4 फीट या 3 फीट होगा शायद। हम छोटी सी नीचे से 3 फीट की हाइट तक की एक सीली रखेंगे, 3 फीट या 2.5 फीट की हाइट में, उसके ऊपर का जो है काफ़ी हाइट तक एक मॉन्स्टर टैंक देखने के लिए फ्यूचर में। देखिए आप देख लेना, अभी जो देख रहा है इमेजिनेशन है मेरा, अभी जो आपको एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्यूचर में कैसा लगेगा आपको वो देखने के लिए एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर 8 फीट की एक टैंक आएगी, पहले भी मैंने कहा था, लेकिन अभी रूफिंग के साथ बता रहा हूँ। रूफिंग देखिए आ चुकी है, यहाँ पर रूफिंग वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, समझो लगभग 50% काम हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने बताया 30% काम हुआ है, अभी मैं कह रहा हूँ 50% काम हो चुका है। और यहाँ पर थोड़े टैंक्स आएंगे, 4-5 फ्रेश वाटर टैंक आएंगे, प्लस प्लांट टैंक भी आएगी, और यहाँ पर एक मरीन टैंक वगैरह आएगी। यहाँ पर ऊपर जो है मैंने रखा हुआ है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और वो ऑफकोर्स ये डोर्स है, और यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन मैं लगाने का सोच रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन या कुछ जैसा कि इग्वाना हो गया उसका एक सेटअप, या एक पाइथन रखने का उसका सेटअप, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेगा अकॉर्डिंग टू डैट। और यहाँ पर देखिए एक नियोन साइन आएगा, सैयद शाह एक्वाटिक्स जो भी रहेगा, वहाँ पर एक बड़ा नियोन आएगा बर्ड्स के साथ, उसके साथ में बैठकर यहाँ पर हमारे जो दो प्ले बटन हैं वो आसपास में लगेंगे, सेंटर में नियोन में आ गया, यहाँ पर बैठ के हम वीडियो शूट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये रूम, टोटल जो मैं आपको दिखाता हूँ दूर से, ये लंबाई जो है 17 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है, मतलब 17x15 का ये एरिया है जो हम एक फिश रूम टूर बनाने जा रहे हैं। और ये जो है टर्टल पॉन्ड, ये अभी टेम्पररी पर्पस के लिए, इसको भी हम निकाल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ऊपर का एरिया अभी दिखाता हूँ, चलिए आपको। ये तीसरे फ्लोर का नज़ारा अगर हम ऊपर आकर देखते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है, यहाँ पे सब कुछ आपको नज़र आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर आएगा देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक फिश पॉइंट आएगा, यहाँ पर टर्टल पॉइंट आएगा। टर्टल पॉइंट देखिए वहाँ से
लेकर स्टार्ट होकर यहाँ तक, मतलब पूरा 17 फीट और 5 फीट का बड़ा पोंड आएगा यहाँ पे जो हम फ्यूचर में बनने वाले हैं। और यहाँ पर आएगा एक बर्ड सवेरी जो 15x5 फीट का होगा, मतलब 17x5 फीट का एक टर्टल पोंड, 15x5 फीट का एक फिश पोंड, एक बर्ड अवेरी। बाकी का यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एक फिश पोंड जो हम तकरीबन देखेंगे क्या से इसका जो भी बचा रहेगा यहाँ पर वो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। मेरे हिसाब से 10x5 फीट का होगा, मतलब 5 फीट के पूरे होंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरी की पूरी खाली जगह है यहाँ पर। जितनी भी आप जगह देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, देखिए ये पूरी जगह हमको मिलने वाली है यहाँ पर। आपको आराम से भी छोटी लग रही है जगह, आई नो बहुत छोटी लग, आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी जगह में क्या बंदोगे। आ जाओ उधर साइड में, आ जाओ इधर, उधर जाना नहीं कॉर्नर में। तो अभी सोच रहे होंगे आप इतनी छोटी जगह में क्या बंदोगे, लेकिन बड़ा एक बनने के बाद को आपको लगेगा कितना बड़ा यहाँ पर एक 17x5 फीट का एक टर्टल पॉन्ड, काफ़ी बड़ा टर्टल पॉन्ड होगा। उसमें हम तकरीबन 4-5 पेड़ जो है येलो बिली रखेंगे, और यहाँ पर एक बर्ड अवेरी जो 5x15 होगा और हाइट जो है 7 फीट की होगी। काफ़ी बड़ी वो भी लगेगी, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। अभी हमारे माइंड में है, वो इमेजिनेशन में है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूशन में बहुत जल्दी लाएंगे। जैसे हमने पहले भी कहा था फिश पॉन्ड और टर्टल पॉन्ड का इमेजिनेशन में था, लेकिन हमने बनकर दिखाया, इसी तरह यहाँ पर भी होने वाला है। ये थर्ड फ्लोर का हमारा जो हमने खड़ा है, अब ये थर्ड फ्लोर का एरिया आप देख सकते हो अतराफ से, पूरे करीब से आपको दिखा रहा हूँ थर्ड फ्लोर के बाद यहाँ पर क्या क्या दिखने वाला है। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है ऊपर से अगर हम देखते हैं तो। और हमारा फिश टर्टल पॉन्ड जो है ये हमेशा रहे यहाँ पर रहेगा, जो नीचे हम देख रहे हैं टर्टल पॉन्ड है वो, और उसके सामने कंस्ट्रक्शन की आइटम सब पड़ी है जो फ्यूचर में काम आएगी। तो जैसे आपने ऊपर का एरिया सब देख लिया, नीचे का भी देख लिया, और क्या प्लानिंग है आपके साथ शेयर कर दिया, वैसे मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ टर्टल। देखिए यहाँ पर हमारे जो पुराने टर्टल्स हैं वो अभी भी ऐसे ही हैं, यहाँ पर पानी में छुपे हुए हैं, देख सकते हैं पानी में है। थोड़ा पानी ग्रीन हो गया क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा पानी पहले 2-3 में चेंज होता, अभी थोड़ा टाइम लेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा पानी गंदा है, लेकिन टर्टल काफ़ी हेल्थी है, हम उसका ध्यान रखते हैं। और अभी मैं मेरे जितने भी टैंक्स हैं वो भी दिखाता हूँ घर के अंदर। तो जैसे ही रूम के घर के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर आपको बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारे बर्ड्स थे बर्डजिस, उन्होंने अंडे ले किए थे और बेबीज भी ले कर दिए थे, बेबीज भी हैं इनके। तो अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो भी हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पर विथ बेबीज, दो बेबीज हैं इसके, जो दो बेबीज थे विथ अडल्ट्स हैं दोनों, पूरे चारों अंदर ही हैं जो बेबीज थे हमारे। और यहाँ पर एक सेट हो गया, और बाकी यहाँ पर देखिए हमारी आरोना टैंक। तो ये देखिए आरोना यहाँ पर है, जैसा मैंने कहा आरोना यहाँ पर जो हमारी तकरीबन 3.5 साल से हमारे साथ है, जब से लेकर आया हूँ 16 या 12 इंचेस की कुछ थी, 1800 में लेके आया था, अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अभी तकरीबन इसका साइज़ 22 इंच हो चुका है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन इसमें एक फ़िश में एक प्रॉब्लम था जो आंख का आई ड्रॉप डिसीज़ था, वो आई ड्रॉप जो अभी भी क्योर नहीं हुआ है, वो ऐसे ही है, मैं ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बिज़ी होने के कारण नहीं हो पाया, और जो ट्रीटमेंट मैंने बॉल के तरीके से कर रहा था वो भी सक्सेस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने अभी डिलेट कर दिया है। देखते हैं फ्यूचर में कैसा आता है, अगर आपके पास कोई सजेशन है इसके बारे में तो हम ज़रूर हमें मैसेज में ड्रॉप कर देना, ताकि हम उसको फॉलोअप कर सकें। और साथ में देखिए ये पैरेट फिशेस हैं, पैरेट फिशेस काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अभी तकरीबन इसका साइज़ 10 से 12 इंचेस का है, ये बड़े हो चुके हैं, जेंट साइज़ में है, किंग कॉन्ग पैरेट साइज़ में कह सकते हो, किंग कॉन्ग पैरेट हैं, चार हैं, चार भी बहुत बार अंडे ले कर चुके हैं, लेकिन इनका पता है आपको पैरेट फिश जितनी बार भी अंडे ले करते लेकिन वो हैच नहीं हो पाते, इनका ये एक इशू है। ये 5 फीट की टैंक है ये जो अभी यहाँ पर देख रहे हो, और ये फिशेस की 22+ इंच हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए सम काम चल रहा है, मतलब ये सम अच्छे से क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से देखिए पूरा काम चल रहा है, सम क्लीन होता है पानी, जिसकी वजह से इतना पानी क्लीन, वरना बहुत दिन हो चुका है मैंने इसको क्लीन नहीं किया पानी को, फिर भी देखिए कितना क्लीन और क्लियर लग रहा है, काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, सम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और साथ में देखिए यहाँ पर हमारे शिम्स टैंक है, जो काफ़ी दिनों से प्रॉपर मेंटेन ना होने की थोड़ा फॉगी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा देखभाल नहीं करते, लेकिन बिज़ी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर श्रिम्स हैं, श्रिम्स इसमें तकरीबन अभी 100 श्रिम्स हैं, पहले 200 थे, तो मैंने आपको कहा था, अपडेट दिया था मैंने एक एक्वेरियम शॉप पे सेल कर दिया, तो अभी यहाँ पर देखिए अभी भी हैं इसके अंदर तकरीबन 100 श्रिम्स हैं, जो ऑटोमेटिकली ब्रीड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनका यही काम है। और यहाँ पर डकवीट प्लांट्स है, ये लाइट ख़राब हो चुका है, जो मैंने अभी भी ऑर्डर कर चुका हूँ, पता नहीं अभी 4-5 दिन में आ जाएगा, जिसकी वजह से मैंने अल्टरनेटिव एक लाइट डाल दिया, क्योंकि विदाउट लाइट ये डकवीट डाई हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने लाइट ऐड कर दिया है। फिल्टर वो हैंग ऑन बैक है, मैंने अभी ऑफ कर दिया है। और बाकी हमारी एवरग्रीन टैंक यहाँ पर
गप्पीस की देखिए काफ़ी सारे स्टेंस हैं। और जो बेटा थे आप देखा होगा यहाँ पर, वो बेटा भी मेरे पास है, जो वाइल्ड बेटा थे, वो वाइल्ड बेटा जो मैंने ब्रीड किया था, मेरे पास छोटे छोटे बेबीज थे, बहुत सारे मैंने दे दिए थे, उसमें तीन मैंने रखा था, तीन अभी भी ऐसे ही हैं। मैंने अलग रखा हुआ था इनको, लेकिन अभी जगह कम होने की वजह से फिर दोबारा इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इतनी जगह अक्वायर कर रहे थे टैंक, जिसकी वजह से हमारे घर में जगह बस नहीं आ रही थी, तो इसलिए अभी मैंने फिर दोबारा इसमें ऐड कर दिया है। इम्बेलिस बेटा इसको बोलते हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुके हैं अभी, ये पूरे अडल्ट हो चुके हैं, अडल्ट टू ग्रोन हो चुके हैं। कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ मैं वीडियो प्रॉपर, क्योंकि अभी दिन में सनलाइट होने की वजह से, सनलाइट बाजू में ही है तो अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वरना मैं अच्छे से इसको कैप्चर कर पाता। और देखिए बाकी सारे स्ट्रेंस हैं, टोटल इसमें मोर देन 50 to 60 गप्पी हैं अभी करंटली, और डकवीट प्लांट्स हैं जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइट है इसलिए, और फिल्टर इसका हैंग ऑन बैक फिल्टर है। बेटा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है अभी, कहाँ गई बेटा, वो पीछे चलेगी शायद, मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिटेल से दिखा दूंगा, अभी बस एक सिंपली सेटअप दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए टर्टल्स, जो ऊपर मैंने टर्टल रखा हुआ था आपने देखा होगा, ऊपर मैंने एक कोई फिश का पॉन्ड रखा पहले, फिर उसको मैंने टर्टल पॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो मेरे बेबीज थे फर्स्ट बैच के उसमें मैंने रखा हुआ। येलो बिल्ली के हैं पूरे, अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं पूरे, येलो बिल्ली टर्टल्स हैं, 6 पीस हैं, 6 टर्टल्स हैं जो मैंने अलग रखा हुआ था। ये भी काफ़ी अभी ऐसा लग रहा है कि ये भी सेमी अडल्ट हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से फास्ट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे से प्रॉपर केयर कर रहा हूँ। अभी ऊपर रखा था, अभी टेम्प्रोरी पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर एक टब में रखा हुआ है, 2 फीट के टब में यूवी लाइट दिया हुआ है, बासकी गिरा भी है, और रेगुलर पानी चेंज होता रहता है, 6 हैं जो मैंने अलग रखा हुआ था फर्स्ट बैच के। और इतना टैंक सारे तो हो गए, टर्टल का हो गया, और बेबीज दिखाना अभी बाकी है, जो बेबी टर्टल्स हमेशा मेरे पास रहते हैं, ये वाले यहाँ पर हैं, देखिए येलो बेली के बेबी टर्टल अभी भी मेरे पास 8-10 हैं, बेबी टर्टल्स हैं येलो बेली, ये भी प्योर येलो बेली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कान जो है येलो होते हैं। आरियस टर्टल्स को क्या है, येलो रेड आते हैं, लेकिन इनके कान जो है पूरे प्योर येलो होते हैं, जिसके से इनको येलो बिली कहते हैं। और या आगे जाकर ये पूरी जो है बॉडी येलोइश हो जाएगी इनकी। हम और साथ में वहाँ पर देखिए जो मैं बेटा फिश टैंक सेटअप किया था वो यहाँ पर रखा हुआ है, अभी इसको प्रॉपर मैंने देखभाल नहीं किया तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो सिंपल अपडेट है हमारे इस रूम का। और आपको बर्जिस भी दिखाता हूँ, जो यहाँ पर एक पेड़ आपने बर्जिस देख लिया, दूसरा पेड़ जो है नीचे है, जो आपको मैं दिखाता हूँ, आपको नीचे वहाँ पर लेकर जाता हूँ, जो अलग रखा हुआ है हमने, क्योंकि अलग अलग रखा हुआ है, एक साथ रखते हैं तो लड़ाई ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमने अलग अलग 2 केजेस में 2 पेयर रख के ब्रीड किया, दोनों भी बेबीज दे चुके थे और दोनों के बेबीज काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो जैसा देखा आपने, मैंने पूरे रूम का टूर जो है हमारे टर्टल्स का हो या फिशेस का हो, जितने भी जो करंट रूम है फिश रूम है वो भी दिखा दिया, और जो आने वाली फिश रूम है उसको भी मैंने बता दिया, पूरा मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की ब्लॉगिंग टाइप में। हालांकि तो टोटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आना बाकी है हमारे फिश रूम में, वो आने के बाद लगातार आपको बहुत सारे नए नए फिशेस, नए नए टैंक्स, नए नए एक क्रे फिश हो गया, लॉबस्टर्स हो गया, हैमस्टर्स हो गया, या आपको रैबिट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, कोई फिश हो गए, टर्टल टॉर्टाइस नए लाने वाला हूँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे वेराइटी के रैबिट्स आएंगे, और बहुत सारे एक्जोटिक बर्ड्स आएंगे, और पाइथन या इगुआना वो भी रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी फिश रूम सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया ज़रूर बताना, और अगर आपके कुछ सजेशन से आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं ज़रूर शेयर करना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। अच्छे लगा तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाला है हमारे चैनल के थ्रू से, तो वेट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल पर स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर एक नेटवर्क के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।